हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SH फैशन वर्ल्ड। तो अभी मैं जो आपको डिजाइन सिखाने वाली हूँ वो भी बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है, और इस डिजाइन को बनाने के लिए आपने रखने हैं 3 से गुणा करके फंदे और प्लस कर लेना है 2। 3 से गुणा करके फंदे रखने हैं और जमा 2 कर लेना है। मैंने यहाँ पर लगाए हैं 11 स्टिचेस। 11 इसलिए क्योंकि 3 से गुणा करके 9 और प्लस उसमें 2 करके 11 स्टिचेस मैंने यहाँ पर डाली हैं। तो अगर आपको डिजाइन पसंद आएगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी के साथ मेरा दूसरा चैनल है उसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे के रखा है। तो देखिए, पहली रो सीधी तरफ से, रो 1 राइट साइड से, ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा सीधा उतारा। अब देखिए आगे वाले जो 2 फंदे हैं, उन दोनों फंदों को हमने इकट्ठा बनाना है आगे की तरफ से। 2 फंदों का एक फंदा कर लिया, फिर अभी इनको छोड़ना नहीं है। अब पहले फंदे को सीधा बनाना है फिर से। तो ये 2 के 2 वापस से फंदे हमने बना लिए। अब आगे वाला फंदा सीधा बना लेंगे इस तरह से, देखिए। फिर देखिए यही शुरू का एक फंदा छोड़कर यही हमने रिपीट करना है, यही 3 फंदे। देखिए 2 फंदों का एक फंदा करेंगे पहले आगे की तरफ से, 2 का एक बनाया, फिर पहले फंदे को सीधा बना लेंगे, फिर दोनों को छोड़ देंगे, फिर एक फंदा सीधा। इसी तरह से हमने पूरी रो में करते जाना है। देखिए 2 फंदों को एक साथ बनाएंगे, फिर पहला फंदा सीधा बना लेंगे, फिर उसके बाद तीसरा फंदा भी सीधा बना लेंगे। तो इसी तरह से हमने यही पूरी रो में रिपीट करते जाना है। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, उसको हमने सीधा बना लेना है। अब आ जाइए रो 2 में, रॉन्ग साइड से। रो 2 और जितनी भी रॉन्ग साइड की रो पड़ेंगी हमारी, वो हमने सारी उल्टी ही बनानी है। सिंपल, आपने सिर्फ ऐसे ही उल्टा बनाना है सारी रॉन्ग साइड की रोज को। अब आ जाइए रो 3 में, राइट साइड से सीधी तरफ से तीसरी रो। अब देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा सीधा बनाया, अब एक और फंदा हम यहां पर सीधा बनाएंगे। 2 फंदे हमने यहां पर सीधे बना लिया स्टिच के साथ। अब इसके बाद हम रो 1 यहां पर रिपीट करेंगे, सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे रो 1 में बनाया था, लेकिन यहां पर पहले हम 2 फंदे सीधे बना लेंगे। तो 2 फंदों को सीधा बनाएंगे, फिर पहला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर तीसरा फंदा भी सीधा बना लेंगे। 2 फंदों को एक साथ पहले एक करेंगे, फिर पहला फंदा सीधा बना लेंगे। तो इसी तरह से हम ये पूरी रो भी कंप्लीट करेंगे, और आगे वाली रो रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी बना लेंगे। अब आ जाइए रो 5 में, राइट साइड से 5वीं रो सीधी तरफ से। अब देखिए इस रो में क्या करेंगे, इस रो में पहले जो एज स्टिच और इसके साथ वाला फंदा, इन दोनों को हम 2 का एक करेंगे। अब हमारा डिजाइन सिर्फ यहां से ही स्टार्ट हो जाएगा, शुरू से ही कोई भी एज स्टिच नहीं रहेगा रो 5 में। और इस तरह से देखिए 2 फंदों को पहले एक साथ बनाया, फिर पहले फंदे को सीधा बना लेंगे, फिर तीसरा फंदा ऐसे ही सीधा बनाएंगे, और ऐसे ही हम इस पूरी रो को कम्प्लीट करेंगे। 2 फंदों को एक साथ बनाएंगे, फिर पहला फंदा बनाएंगे इस तरह से, फिर दोनों को छोड़ देंगे और तीसरा फंदा सीधा बना लेंगे। तो पूरी रो में हम इसी तरह से ही करते जाएंगे ये, और लास्ट में हमारे पास देखिए 3 फंदे बचेंगे, इनको हमने सीधा बना लेना है, और रो 6 रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी बनानी। तो 6 रो कंप्लीट करने के बाद हमारा डिजाइन यहां पर ओवर हो जाता है। जैसे जैसे हम इस डिजाइन को बनाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा डिजाइन ये कुछ इस तरह से दिखेगा, देखिए। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट पर इसको बना सकते हो, जो भी आप बनाना चाहते हो। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। रो 1 से लेकर रो 6 तक आपने कंटिन्यू करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।